إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اما بعد اللہ پاک نے سورہ القلم 29واں پارہ ہے اس میں قلم کی قسم کھاتا اور جس طرح سے جو لکھا جاتا ہے اور لکھنے کے لیے قلم جن مراحل سے گزرتا ہے ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تعریف فرمائی آپ کو اس امتحان میں کامیابی کی نوید سنائی جس کے لیے انسانیت کو اس زمین پر وفا کیا گیا اور آپ کے دشمنوں کی بدعاداتی اور ان کی جو بری خصلتیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے اس قلم اور انسان میں کیا مشابہت ہے کیا اس قلم کی قسم کھا کر اللہ پاک نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جب تک انسان ان مراحل سے نہیں گزرے گا جن مراحل سے گزر کر ایک قلم اپنا وہ مقصد پورا کرتا ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے جب تک انسان بھی انہی مراحل سے مرحلہ وار نہیں گزرے گا وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہوگا اچھا انسان نہیں ہوگا جس کے لیے اسے اس دنیا کی مارکیٹ میں بھیجا گیا قلم کو بنانے والے نے قلم کو پیک کرنے سے پہلے یہ بات کہی کہ تم مارکیٹ میں جا رہے ہو تم بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے ہو اگر تم یہ میری پانچ باتیں پلے باندھ لو تو تم ایک بہترین قلم بن جاؤ جس مقصد کے لیے تمہیں پیک کیا جا رہا ہے تمہیں بھیجا جا رہا ہے اس میدان میں تم اچھے قلم تبھی کہلا سکو گے جب ان مراحل سے گزرو گے جب ان پوائنٹس کا خیال رکھو گے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں فرسٹ آف آل تمہیں لوگوں کے ہاتھوں میں بھیجا جا رہا ہے ہر وقت تم کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہو تم کہو کہ میں اس پیک کے اندر لیٹا رہا ہوں اور وہ مقصد بھی پورا ہو جائے جس کے لیے میں بنایا گیا ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا
तुम्हें भरे हुए हाथों में भी जाना पड़ेगा, गंदे हाथों में, साफ हाथों में भी जाना पड़ेगा, बड़े के हाथों में भी जाना पड़ेगा, छोटे के हाथों में भी जाना पड़ेगा, अफसर के हाथ में भी जाना पड़ेगा, नौकर के हाथ में भी जाना पड़ेगा। तुम्हें हर वक्त कोई ना कोई थामे रहेगा और तुम्हारी सलाहियतों के इस्तेमाल के लिए तुम्हें अपने आप को किसी के हवाले करना होगा। तुम खबरदारी बात, तुम हाथ मत लगाना भाई, ऐसा नहीं हो सकता, फिर तुम वो काम नहीं कर सकोगे जिसके लिए तुम्हें भेजा जाए। अल्लाह पाक ने शायद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए बनाया गया, लोगों में भेजा गया, फदखुली फी इबादी, जा मेरे बंदों में जाके जरा बैठ, उनमें जाके शामिल हो, सोसाइटी में जा, वदखुली जन्नती, फिर जन्नत में। तो अगर एक इंसान मुआशरे से भाग जाए, जंगल में जाके बैठ जाए, कभी वो मकसद पूरा नहीं कर सकेगा, कभी उस इम्तिहान में पास नहीं होगा जिस इम्तिहान के लिए इस दुनिया का, इस कायनात का निजाम अल्लाह पाक ने बनाया। ये पूरा खेल इसका खखेर मोल लिया अल्लाह पाक ने, वो आपस साबित होगा कि जी माशरा चूंकि बड़ा गंद बना है, आधा हम तो बाग के जंगल में चले गए और चश्मे से वजू करते हैं जनाब, अल्लाह अल्लाह करते हैं वहां बैठ के, कोई गुनाह नहीं हमारे दामन पे, न चुगली करते हैं न गीबत करते हैं, दामन साफ है। फायर ब्रिगेड वाले आग लगी हुई हो तो उस वक्त वो भाग जाए बंदा उनमें से, और जब इंक्वायरी हो कि साहब ऐन जब आग लगी हुई थी तो जिस बंदे के जिम्मे पंप चलाना था, वाटर पंप चलाना टैंकर का, जिसके जरिए आग बुझानी थी, वो साहब तो गए थे भाग, और वो कह साहब ये देखे मेरी यूनिफॉर्म पे कोई धब्बा है, इनके कपड़े देखा काले सब कपड़े, इनके शक्ल देखे इनकी कैसी हुई हुई है, मुझे देखें, मेरी पर्सनैलिटी देखें, आपने कहा था वैसी आपा का फता है, अपना दामन साफ रखना, ये देखिए चम चम जंगल में बैठा रहा हूं, ना किसी की गीबत, ना किसी की चुगली, ना मेरा कोई पड़ोसी, ना किसी का जमीन सांझी, जैसा खरगोश मासूम है ऐसा मैं मासूम हूं। बोला कि तुम्हें दुनिया में भेजने की जरूरत ही कोई नहीं, मैं तुम्हें इधर अपने स्टोर में ही रखता जहां भी तुम इतने साफ रहते, हमने तुम्हें काम करने के लिए भेजा, वहां तुम्हारी यूनिफॉर्म फट भी जाती, तुमसे गुनाह सरजद भी हो जाते, माशरे में रहते हुए हमने इस्तगफार का सर्फ नहीं भेजा, हमने उसको सीने के लिए तोबा नहीं भेजी, ये किस लिए भेजी गई थी, उनके लिए जिन्हें मार्केट में रह के काम करना है, फिर माशरे में रहते हुए ऊंच नीच हो जाती है। मैं आदमी हूं, कोई फरिश्ता नहीं हुजूर, मैं आज अपनी जात से घबरा के पी गया, इंसान होना अपनी जात में खुद गुनाह में मुलव्वस होना, ये तो इरिटेट हो जाता है। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाते हैं अगर तुम वो काम करते हुए आलूदा भी हो जाओ, आप देखें फिका ये कहती है कि अगर आप बारिश के मौसम, बारिश चल रही है, झड़ी चल रही है, मस्जिद आ रहे हैं, गलियां नाले बह रहे हैं, उनमें गटर का पानी भी आता है, कहा अल्लाह पाक को पता है कि उसने तुम्हें मस्जिद बुलाया, और उसे यह भी पता है कि रास्ते में गटर भी बह रहे हैं, बारिश लगी हुई है, नाले भरे हुए हैं, कीचड़ उछल के तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, फरमाया आज कीचड़ पाक है, क्योंकि तुम बच नहीं सकते, मस्जिद आओ, इस वजह से घर मत बैठ, जब कपड़े पाक रखने हैं, साफ रखने हैं, फरमाया ये भरे हो कि मेरे लिए पाक हैं, अगर मेरा हुक्म पूरा करने तुम्हारे माशरे में रह के अगर करोगे, नुकफ्फिर अनकुम सय्यातिकुम, ये कीचड़ ये सब कुछ हम तुम्हें माफ कर दें मेरे काम के लिए माफ। तो आपको हमेशा अपने आप को
किसी न किसी के हवाले करना पड़ेगा। पेन को जो हदायत दी गई वो जरा पेंसिल जो है लेड पेंसिल, पेंसिल को उसका क्रिएटर कहता है, यू विल बी एबल टू डू मैनी ग्रेट थिंग्स बट ओनली इफ यू अलाउ योर सेल्फ टू बी हेल्ड इन समवन्स हैंड। तुम कारनामे बड़ी बड़ी किताबें तुम लिख सकती हो लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप को किसी के हवाले करना पड़ेगा। बॉक्स में रह के किताबें तुम नहीं लिख सकती, उसमें मिस्टेक्स भी होंगी, जब लिखाई होती है तो क्लैरिकल मिस्टेक होती है। कहा गया उसकी कुरेक्शन का बंदोबस्त भी हमने कर दिया। जब तुम लोगों के हाथों में हो गए, लिखोगे घिसोगे तुम्हारी स्लाइडें खर्च होंगी, उन स्लाइडों के लिए उन स्लाइडों को दोबारा रिचार्ज करने के लिए तुम्हें बड़े तकलीफ दे मराहल से गुजरना पड़ेगा। हम इसे कंपेयर करते हैं, पहले जुमला सुन लिया, You will experience a painful sharpening from time to time, but you shall need it to become a better pencil. फक्तन फक्तन तुम्हें शार्प किया जाएगा, तरह तरह के शार्पनर होंगे, तुम्हें रगड़ा दिया जाएगा, तुम्हारी चमड़ी उतारी जाएगी, लेकिन ये तुम्हारे उस मकसद के लिए जरूरी है जिसके लिए तुम्हें भेजा जा रहा। जब तुम मुआशरे में जाओगे तरह तरह के बंदे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन्नासु मआदन फमआदन अज़हब वल फिज़्ज़ा, लोग काने हैं, हर बंदा कान है, जैसे सोने और चांदी की कान होती है और उसके ऊपर क्या होता है मट्टी होती है। ये 555 के बिस्किट कहीं नहीं जमीन में दफन, ये बाद में बनते मट्टी हटाने के बाद, इस बंदे के ऊपर मट्टी चढ़ी हुई। यू हैव टू एक्सप्लोर, नीचे जाओ मट्टी हटाओ इसे, शार्प करो इसे, ड्रिल करो इसे, इसके अंदर से वो जो इंसान है वो जो सोना है जो अल्लाह पाक ने रखा है। भेकशाह एक बुजुर्ग गुजरे शायर थे पंजाबी के, भेका उनका तखल्लुस, वो कहते हैं भेका भूखा कोई नहीं, सब दी गठड़ी लाल, गिरा खोल नहीं जान दे ताइयों फिरन कंगाल। कहते कोई शख्स कंगाल नहीं है, भूखा नहीं है, अल्लाह पाक ने जिसको पैदा फरमाया उसके अंदर लाल रख दिया, खर्चा इस जमीन का रख दिया, गिरा खोल नहीं जानते, वो उसको अनटाई नहीं कर सकते, अपनी शख्सियत को अपनी जात को डिकोड नहीं कर सकते, इसलिए तो गाल कर दिया। समझ लेंगे, इसलिए कहा कि अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अपने अंदर जा, अपनी गिरा खोल, तेरा काम बन जाए, तुझे अपने अंदर लाल मिलेगा। वो जो एयरपोर्ट पे फ्लाइट लेट हो जाती है तो टोकन देते हैं ना, कूपन देते हैं खाना खाने का, हर टिकट के साथ बोर्डिंग कार्ड के साथ होते, तेरे बोर्डिंग के साथ तेरा अपना है, तू दूसरों के मत चुरा, अपना शो करा, अगर गवाह नहीं बैठा तो तुझे बड़े तकलीफ दे मराहिल से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए लोग कुदाले लेकर आएंगे, खोदेंगे तेरे अंदर कान खोदेंगे, अल्लाह पाक लोगों के जरिए तेरे अंदर कान खोदेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने नहीं सताया, रिश्तेदारों ने सताया,
ये रिश्तेदार सारे शार्पनर हैं, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, ये सब में शार्पनर है। जिस तरह आप जाए ना बुक शॉप पे तो तरह तरह के शार्पनर हैं। ये रंदे रंदे हम भी असल में, हम भी तो किसी के रिश्तेदार हैं ना, हम भी शार्पनर ही हैं, कमी हम भी कोई नहीं करते, लेकिन हम एक्सक्यूज एक पैदा करते हैं कि जी पहले उसने किया ना फिर मैंने किया, उसने ये किया तो फिर मैंने किया, लेकिन किया मैंने भी। अल्लाह पाक फरमाते हैं वजअलना बाज़कुम लिबाज़न फितना, तुम एक दूसरे के शार्पनर हो, हमने तुम में एक दूसरे के लिए कसौटी बनाया। कसौटी क्या करती है, रगड़ता है ना उस पर, और अगर सोने का की चमड़ी ना उतरे तो कैसे पता चलेगा कि ये सोना है या कापर है या ब्रास है क्या बुला है। वो अगर आदमी वो खोरा होता है, वो जो जिस पे रगड़ते हैं वो बड़ी रफ सतह होती है, उसमें रगड़ा लगता है तो सोने का असली और नकली का पता चलता है। ये जो हाजी बस भर के जाती है और जहाज भरा हुआ होता है, ये सारे शार्पनर ही होते हैं एक दूसरे के। ये इम्तिहान है वजअलना बाज़कुम लिबाज़िन फितना अतस्बिरून वकाना रब्बुका बसीरा, हमने तुम्हें एक दूसरे की कसौटी बनाया है, तुम सब्र करोगे। ये 60 साल तुम्हें रगड़ा जाएगा, किसी का सोना 2 रगड़ों में निकल आता है, किसी के 50 साल के बाद जाकर उसके अंदर से कुछ निकलता है। पानी है ना, कोई 20 गज पे आ जाता है, 20 फुट पे, कोई 50 फुट पे आता है, कोई 100 फुट 120 फुट जाके, लेकिन पानी कहीं ना कहीं दूर जाके नजदीक जाके मिलता है। अगर अल्लाह ने हर बंदे के अंदर रखा है लाल पेंसिल है ना, पेंसिलें जब आप साफ करते हैं तो टूट जाती है, जब आप समझते रेडी हो गई है कड़क करके वो टूट जाए, फिर आपने रखा, फिर उसको आप शार्प करें, फिर शार्प करें, उसको मोटा सिरा नजर आए, फिर थोड़ा मोटे को पतला करें और फिर वो टूट गया। उस वक्त नहीं पता चला, जब लिखने लगे तो वो नीचे आके गिर गया, पता चला जो टूटा वो ऐसे ही अंदर जुड़ा हुआ। यही मामला इंसान का, ये नमाज, ये रोजा, ये ज़कात, ये हज, ये किस नहीं, ये भी शार्पनर है बंदे के अंदर से वो सिक्का निकालने के लिए जो सोसाइटी के लिए फायदा मंद। नमाज पढ़े शार्प हो, जाके दुकान पे खड़ा हो पूरा तो ले, बाजार में जाए तो नजर झुक जाए, पता चले जो चार्जिंग लेके आया मस्जिद से वो शटर डाउन करती अभी है। तो इन पेनफुल मराहिल से गुजरना पड़े, टाइम टू टाइम रोजे आ रहे हैं, ध्यान जब्त नफ्स सिखाया जा रहा है, कंट्रोल करना सीखो। अगर को किसी को गाली दे रमजान में तो अगर बंदा रोजे वाला सही रोजेदार है तो वो कहता है इन्नी साइम, गाली मैं भी दे सकता हूं लेकिन मैं रोजेदार। और जो मोमिन होता है, ये तो आम आदमियों की बात है, जो असली वाला हकीकी मोमिन होता है वो पूरी जिंदगी को रोजा समझता है। अल्लाह पाक सिर्फ रमजान का रब तो नहीं है ना, रमजान के बाद वो हमें फिर कहीं आगे लेबर सप्लाई कंपनी की तरह आगे बेच देता है किसी दूसरे के पास, ऐसा नहीं है। वो रमजान के बाद भी हमारा रब है, और ये चीजें रमजान के बाद भी हराम है। तो वो कहते हैं अब दुनिया यौम, दुनिया एक दिन में से, और बंदे कसम खा कर कहेंगे कयामत के दिन कि यौमन औ बाद यौम, पहले कहेंगे कि हम एक दिन रहकर आए हैं, फिर उन्हें ये ज्यादा लगेगा, कहेंगे शायद दिन का कुछ हिस्सा रहकर आए। इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि वो कहेंगे फस अल्लादीन, अल्लाह पाक तू अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनसे पूछ ले, अपने अकाउंटेंट से पूछ ले तू, हम इतना अरसा नहीं रह कर आए। काला कम या बिश तुम फिलहाल ज्यादा दस नहीं, कितने साल जमीन में रह के आए, लबिश का यो है और बार का यो है फस अल आदीन काला इल्ला बिश तुम इल्ला खलीलन लव अन्नकुम कुंतुम तालमून,
तुम थोड़े रह के आए हो, आज तुम सच बोल रहे हो। काश तुम्हें उस वक्त पता चलता कि तुम थोड़ी देर के लिए हो, वहां तो तुम्हें टाइम गुजरता ही नहीं। ताश खेल रहे रमजान में तरावी के बाद फुटपाथ पे, ओ भाई क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हैं। इतना टाइम हो गया एक्स्ट्रा कि गुजरता ही नहीं, जिसको देखो वो टाइम पास कर रहे। और टाइम है कि खुद पास हो रहा है 62,000 मील की घंटा की रफ्तार से, रेत की तरह आगे। जब मुट्ठी में आप रेत पकड़ते हैं वो गिरना शुरू होती है तो आप नेचुरली उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसके एग्जिट्स बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है, वो और तेजी के साथ निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह उम्र का मामला है, जब बंदे को 40 से ऊपर होता है 50s में तो उसे पता चलता है कि रेत गिर रही है, तो फिर वो कुश्ते खाना शुरू हो जाता, फिर जेंसन 115, फिर फलां कीम के पास हो, कीम साहब ऐसा कुश्ता देते हैं कि 80 साल के ऊपर मरना था 60 साल में मर गए, गुर्दे फेल हो जाते, बाकी 20 साल बेड पे गुजार देते। तो उम्र जो है वो तो गुजर रही है, आपको गुजारने की जरूरत नहीं, टाइम पास करने की जरूरत नहीं। टाइम टू टाइम बड़े तकलीफ दे मराहिल से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। वकान रब्बु का बसीरा, ये बात याद रखना कि तुम जमीन में हो, आसमान में हो, पहाड़ की किसी खो के अंदर हो, समंदर के नीचे किसी सब मैरीन में हो, कान रब्बु का बसीरा, तेरा रब तुम्हें वहां देख रहा है, तेरा रिएक्शन नोट किया जा रहा है, तुझे नंबर मिलेंगे। वह अहसन इला मन असाअक, वो अगर शाप करे तो तेरे अंदर से सिक्का निकलना चाहिए जो फायदा मंद है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और तुम दरख्त भी नहीं बन सकते, अल्लाह पाक ने तुम्हें इंसान बनाया है, कायनात की सबसे फायदा मंद मखलूक बनाया, तुम्हें बना के अपना कलम तोड़ दिया, इंसान के बाद कोई तख्लीक अल्लाह पाक ने नहीं की। इसलिए लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीन, मेरी क्रिएशन का क्लाइमेक्स इंसान है, उसके बाद मैंने कोई मखलूक नहीं बनाई, कलर्ड कापियां निकाल। फरमाया तुम दरख्त भी नहीं बन सकते हो, तुम देखते नहीं हो, लोग उसको पत्थर मारते हैं वो उनको फल मारता है, हम पत्थर मारते हैं वो सेब देता है, बेर देता है। ये जो बात है कि तुम्हें शार्पनिंग से गुजरना पड़ेगा टाइम टू टाइम, सी नहीं करनी, आरा चला हजरत जकरिया अलैहि सलाम पे, सर तक पहुंचा, जब पहला रगड़ा लगा तो मुंह से सी की आवाज आई, अल्लाह पाक ने फरमाया अगली सी की तो मैं नबियों में से नाम काट दूंगा। इसलिए बुल्ले शाह कहता है के भरोसा है अशनाई दा, डर लगता है बेपरवाही दा, अल्लाह पाक तेरे साथ इस ताल्लुकात का क्या भरोसा करें, तेरी बेपरवाही से डर लगता है, तेरे महबूबों पे आ रहे से राजी है, तू मुस्कुरा के देखता है, बेपरवाही है ना। कुआं में डाला गया, आग में डाला गया, फरमाते हैं दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जे बनया तू बेर का बूटा, हर कोई तैनू देसी बूटा। अगर तुम बेर के बूटे बने, बेर का जो दरख्त जो भी उसके पास से गुजरता है, छोटा हो बड़ा हो किसी कौम का हो, खाम खा उसका दिल करता है कि ताकतवर है तो हला के, कमजोर है तो पत्थर मार के, मारा तो ऊपर चढ़ के बैर पाले, है कि नहीं। फरमाया अल्लाह पाक ने तुम्हें नफा रसा बनाया, हर कोई तुम्हें कोशिश करेगा, कोई झंझोड़ने की कोशिश करेगा, कोई ऊपर चढ़ जाएगा तेरे, कोई पत्थर मारेगा तुम्हें, जे बने हो तू बैर का बूटा, हर कोई तैनू देसी झूठा, बोते बेर बगाओ फकीरा, मिट मिट के मिट जाए, यानी जितना जोर से कोई मारे उतने ज्यादा बैर फेंक। लेकिन ये किस तरह होगा,
मिट मिट के मिट जाओ तो कीड़ा, जब तक तू मिटेगा नहीं ना ये मैं मरेगी नहीं, तेरे अंदर से नफा निकलेगा नहीं। ये मैं वो सील है जिसने तेरा नफा रोका हुआ है। जिस दिन ये मैं की सील खुल गई, ये ढक्कन खुल गया, नफा तेरे अंदर से इस तरह फूट कर निकलेगा जिस तरह चश्मे में से पानी निकलता है। तो ये जितने भी जो भी इस बंदे जो इसमें पेश आता है, वनबलूकुम बिश्शर वल खैर फितना कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर जी ने मरना है, हर जी ने मरना है। तुर्गे नबी मोहम्मद वर्गे मन तकदीर रबानी, जिसके लिए कायनात अल्लाह पाक ने संवारी थी वो भी चलेगा, सामने चलेगा। लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, इस मरने से पहले, इस पैदा होने और मरने के दरमियान, नबलूकुम, हर पैदा होने वाला आजमाया जाएगा, किसी को इस्तिस्ना नहीं है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मथलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लदीना आमनू मअहु मता नसर। तुम समझते हो कि तुम ऐसे ही ठंडे ठंडे जन्नत में जा घुसोगे और तुम्हें वो हालात पेश नहीं आए अभी तक जिनसे अल्लाह के प्यारे गुजरे। मस्सतहुमुल बासा वद्दर्रा, उन्हें तंगियां तकलीफें भी आई, नुकसानात भी आए, वो जुलजुल हिला कर रख दिए गए, किसी को इस्तिस्ना नहीं। वनबलूकुम बिश्शर वल खैर फितना, हम तुम्हें बुरे हालात भेजकर भी अच्छे हालात देकर आजमाएंगे। फितना, याद रखना, हर मुसीबत जो तुम्हें आए, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम, कोई मुसीबत नहीं आती ना जमीन पर, यानी तुम्हारी जमीनों पर, ना तुम्हारी जानों पर, इल्ला फी किताबिन मिन कब्ल अन नबरअहा, वो एक किताब में लिखी हुई है, उसका डुप्लीकेट इशू होता है तो दुनिया में वो आती है तुम्हारे ऊपर। मा असाब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह पाक तय करता है, जिस तरह मुमतहिन होता है वो तय करता है कि जी किस तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है, किस तारीख को मैथ का पेपर है, हमारी सहूलत से नहीं, उनकी प्लानिंग से। अल्लाह पाक मुमतहिन है, वो सोचता है इस बंदे को, उसने प्रोग्राम बनाया, इस बंदे को जवानी में आजमाना है, बुढ़ापे में आजमाना है, बेटा मारना है, बेटा देना है, क्या करना है, उसने तय किए हुए सारे पेपर। जो भी मुसीबत आए, छोटी से लेकर बड़ी तक, याद रखें वो सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान है आपका, आपका रिएक्शन देखने के लिए, आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं उसको, और उसके नतीजे में फौरी तौर पर नंबर लग जाते हैं, फेल हो गया या पास हो गया, पास हो गया तो कितने नंबरों से पास हुआ है, हारा है तो कितना लड़कर हारा है, आखिरी ओवर तक खेला है, 2 महीने लड़ता रहा इस मुसीबत के साथ, 2 महीने के बाद शैतान ने अड़ंगा लगाया है और मेरा बंदा हार गया, लेकिन लड़ के आ रहा है, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक ये कि शैतान को खुद बंदा पैसे दे के साथ लेके तुला बैठा है कि बस कोई ख्याल आए बुरा और मैं छलांग लगा दूं। तो जो भी इस मरने और जीने, अल्लाह जी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम, जिसने मौत और जिंदगी का खेल शुरू ही तुम्हें आजमाने के लिए किया, टाइम फ्रेम,
इसको 60 साल है, इसके 70 साल है, इसका 100 साल है, ये इम्तिहान आने हैं। और फिर उनका रिजल्ट मुरतब होके पेपर सील हो जाते हैं। وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَيْن يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ। भाई अपनी किताब पढ़, अनपढ़ भी किताब लिख रहा है, अनपढ़ भी किताब लिख रहा है, अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपनी जुबान से, अपने कानों से, अपने पांव से। कयामत के दिन कहा जाएगा ये अपनी किताब पढ़ लो। कफा बेनफ्स का लिया मालई का हसीबा, मुझे ऑडिटर मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है, अपना ऑडिटर तू खुद ही काफी, अपना मुहासिब तू खुद ही काफी आज। तो जिन मराहिल से इंसान गुजरता ये बात याद रखें, ये जो रिश्तेदार है ये कोई हमने मार्केट से तो नहीं खरीदे, अल्लाह पाक ने तय किया किसको मेरा वालिद बनाना है, किसको वालिदा बनाना है। जाहिर है उसी से के फैसले हुए कि इतने मामू, इतने चचे, वो चचाए जो है हमारे कैसे होंगे, सारा कुछ पहले प्री प्लान्ड है ना। हम जब आए तो नक्शा जमा हुआ था, हमने वो संभाली तो पता चला ये चाचू है, ये मामू है। अब उनमें से अगर कोई सांप और बिच्छू निकलता है तो मतलब ये अल्लाह पाक ने तय किया था कि इसको किस किस्म के रिश्तेदार दे के आजमाना है। आदमी भाग जैसे सिला रहमी और कतई रहमी, ये क्यों कर, कतई रहमी करने वाला शख्स उस शख्स की मानद है कि जो मां बाप भेजते थे ना स्कूल, तो जनालायक बच्चे होते, तो आपको पता हमारे जमाने में जो खिड़कियां होती थी स्कूलों की, वो टूटी होती थी, वो खिड़की में से बस्ता अंदर फेंकते थे और खुद कस्सी चले जाते थे खेलने के लिए, नहाने के लिए। जो कतई रहमी करता है वो बिल्कुल बस्ता अंदर फेंक के शरारती कार्ड बनवा के खुद भाग जाते, लो जी शुक्र रिश्तेदारों की जान छुट्टी है। जो बच्चा पेपर ना दे वो कह के जो पेपर देता है वो फेल हो जाता है, लिहाजा मैं पेपर नहीं दूंगा, तो वो पास हो जाता है, प्रमोट कर दिया जाता। और जिसने पेपर दिए हैं उसकी ये भी पास होने की तो मौजूद है ना चांस, ये भी चांस मौजूद है कि उसका रीटेस्ट ले लिया जाए, जिस बच्चे में फेल हो उसका रीटेस्ट ले लिया जाए। उसमें यह भी मुमकिन है कि तर्स खा के दो नंबर चार नंबर अजाफी दे के उसको पास कर दिया जाए, जिसने दिया ही नहीं है उसका तो कुछ भी नहीं। लिहाजा ये रिश्तेदार अच्छे हैं या बुरे ये हमारा फैसला नहीं है, ये अल्लाह पाक का फैसला है। इनको आप खत्म नहीं कर सकते ये रिश्तेदारियां, शुगर के मर्ज की तरह यू हैव टू लर्न टू स्टे विद इट। इन रिश्तेदारों के साथ गुजारा करना सीखे, ये शुगर है खत्म नहीं होती, कतई रहमी की गुंजाइश नहीं। ये आपका कैपिटल है, वो जब आपके साथ, देखिए हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हम पेट्रोल जाया करते हैं, हम कहेंगे पेट्रोल भी ना दे, गाड़ी भी चल जाए, हम दुबई भी पहुंच जाए, हम उम्रे पे भी पहुंच, ऐसा नहीं होता। एक तरफ नुकसान हो रहा हो, दूसरी तरफ फायदा हो रहा हो, आप नापते हैं कि पेट्रोल तो मेरा 30 का जला मगर मैं शारजा तो पहुंच गया हूं ना, मंजिल पे पहुंच गया हूं। इसी तरह ये रिश्तेदार जो बुराई करते हैं ये असल में आपके हक में अच्छाई होती है, ये आपका कैपिटल है, आपकी कमाई है। अगर वो आपके साथ बुराई करें नहीं, अच्छाई करें, आप भी उनके साथ अच्छाई करें, तो फरमाया ये ताजर है। हुजूर ने फरमाया ये नेक बंदा नहीं है, जो अच्छाई के बदले में अच्छाई करता है वो ताजर है। और एक आदमी किसी की शादी पे सलाम किराए देता है 500, अगली दफा उसके बेटे की शादी होती है वो दूसरा आदमी कॉपी खोल के देखता है, इसने 500 दिया तो वो आगे 500 या 600 दे जाता है, तो ये तजारत है, ये अच्छाई तो नहीं। अच्छाई के साथ अच्छाई करने वाला ताजर है, दुनिया में अपनी तजारत कर लेता है। आखरत का वो है जो बुरे के बदले में अच्छाई करता है, उसने गैन किया है,
कमाई उसकी जिसने बुरे के बदले में अच्छा किया, और उसकी बुराई असल में वो शार्पनर का ब्लेड है जो तेरे अंदर से अच्छाई को निकाल रहा। पेंसिल को उसने कहा कि देख मेरी एक बात याद रखना कि द पार्ट इनसाइड यू, वो हिस्सा जो तेरे अंदर है इस लकड़ी के अंदर छुपा हुआ, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ यू। वो जो ऊपर वाला कवर है ना उसे हफाजत के लिए है, तेरे असल खजाना तेरे अंदर है, उसको निकालने के लिए शार्पनर चलेगा। रिश्तेदार आके डंग मारता है, ब्लेड चलाता है, अंदर क्या है बाहर निकला। अगर अच्छाई है तो बंदा पलट के अच्छाई करता है, बुराई का बदला ना देना भी अच्छाई है। मैं नहीं कहता कि हम ईमान के उस लेवल पे हैं कि कोई हमें गाली दे तो हम उसे दुआ दें, सलाम उस पर के जिसने गालियां खाकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने जान के दुश्मन को कुबाएं दी। अब्दुल्लाह इब्ने उबई को अपना अपनी कमीज दे दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफन करने की, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा का मामला यह था कि कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक जमीन पर नहीं गिरा। सुहैल इब्ने आमर जाके गवाही दे रहा है, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूं लेकर मैंने जो हैबत मोहम्मद के दरबार में देखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो मैंने इज्जत और इत्राम और प्यार उनके साथियों में देखा है, वो नबी के थूक के लिए लड़ते हैं। हर बंदा अपना चेहरा अपना हाथ आगे कर देता है कि वो थूक उसके चेहरे पर पड़े हाथ पे पड़े। नबी के वजू के पानी के लिए आपस में लड़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौए मुबारक जब आपने उम्रे पे अपने बाल साफ करवाए हिज्जत और विदा में, उम्रे में करवाए हैं, सहाबा में इस तरह तकसीम हुए हैं लाइन लगाकर जिस तरह सोना तकसीम किया जाता है। एक सहाबी को एक बाल मिला है, तर्जमान उस सुन्ना में उसका हवाला दिया गया है, सैयद मनाजर हसन गिलानी साहब ने भी अपनी किताब में तदवीन हदीस में उसका जिक्र किया है। वो बंदा कहता है अल्लाह की कसम जमीन और आसमान के सारे खजानों से मुझे एक बार ज्यादा दी। उस नबी ने अपना पूरा कदूरा अब्दुल्लाह इब्ने उबई को दे दिया। इमाम मालिक कहते हैं कि नबी के ये मोए मुबारक मेरे मुंह पर रख देना, मेरी आंखों पर रख देना। अहमद इब्ने हंबल ने तावीज के बड़े सख्त खिलाफ के इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह, जब उनको गुसल दिया जाने लगा तो किसी ने देखा कि उनके दाएं बाजू पे तावीज बंधा हुआ है, तो जो मुखालिफ होते हैं ये आइमा के जो मुखालिफ थे वो भी बड़े बड़े इमाम के पास, इमाम बुखारी के इमाम ज़ुहरी बहुत बड़े इमाम हदीस हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के साथ में, ये जो हम असर चपकलश होती है ये रहमतुल्लाह अलैह बाद में हमारे लिए बनते हैं, मुकद्दस बनते हैं। अपने जमाने में उनकी चपकलश चलती है। कहने वालों का सारी जिंदगी तावीज के खिलाफ बोलते रहे, खुद अंदर तावीज जो है वो बंधा हुआ था। तावीज खोला गया, लिखा हुआ क्या है, शरई है गैर शरई है, क्या लिखा हुआ, खोला तो अंदर ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक। मैं नहीं कहता हम उस लेवल पे हैं कि गालियां सुनकर दुआएं दें, लेकिन गाली सुनकर गाली अगर ना दें मैं गारंटी से कहता हूं आप नेक आदमी।
दुआ ना भी दे तो गाली भी ना दे। ये इम्तिहान है, गुर्बत इम्तिहान है, अमारत इम्तिहान है, जानी नुकसान इम्तिहान है, माली नुकसान इम्तिहान है, टॉर्चर, जहनी टॉर्चर, सदमा, रिश्तेदारों का रिएक्शन, सारी सारी नमाज में आप सोचते रहते हैं मैंने क्या किया, उन्होंने मेरे क्या साथ क्या किया। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये दुनिया नतीजे की जगह नहीं, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुमने मेरे साथ क्या किया। इंसान तो है ही ना शुक्रा, वो रब का ना शुक्रा, तो बंदों का शुक्र गुजार कहा होगा, तुम इसे शुक्रिया लेने लगे। आगे मेरे स्टोर में बहुत भरा हुआ, वकलील मिन इबादी शकूर, मैं नहीं कह रहा कि बहुत कम मेरे बंदे शुक्र गुजार, तुम इनसे शुक्रिया लेने लगे चार पैसे देकर। लिहाजा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें रब की खातर खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, ना तो हमें बदला चाहिए ना हम शुक्रिये के उम्मीदवार। जब हमें काम आपके लिए कर ही नहीं देगी तो हम तो अल्लाह हर नबी लेगा, मा सअलतुकुम अलैहि मिन अजर इन अजरिया इल्ला अल्लाह आलमीन। लोगों में जो कुछ करो मैंने कभी तुमसे दिहाड़ी नहीं मांगी, मैं भी बाल बच्चेदार हूं, मुझे भी भूख लगती है, मेरे बच्चों को भी भूख लगती है, तुम देखते नहीं हो, मैं सुबह आके चौक में खड़ा होता हूं और शाम तक तुम्हारे पत्थर खाता रहता हूं और तुमसे दिहाड़ी भी नहीं लेता। मैंने कभी तुमसे दिहाड़ी मांगी है, मुझे तो जिसने खड़ा किया है मैं तो उससे उजरत का उम्मीदवार। लिहाजा ये इम्तिहान है, इस बात को कोई भी वाक्य आपके हाथ से गिलास गिर के टूट जाए, आपके बच्चे के हाथ से कोई चीज गिर के टूट जाए, ये इम्तिहान है। जानबूझ के कोई नहीं तोड़ता, जानबूझ के कोई नहीं करता, हो जाता। ये आपको पकाने के लिए, चेक करने के लिए। देखें ये जो ऑटो सर्किट ब्रेकर होता है, ताकि शॉर्ट सर्किट अगर कहीं पे हो तो वो ऑफ कर जाए, ट्रिप कर जाए, ताकि आग ना लगे। आप उसके नीचे एक येलो सा बटन होता है, उस पर लिखा हुआ है कि आप टाइम टू टाइम इस बटन को पुश करके देखते रहा करें कि ये काम भी कर रहा है या कोई नहीं। ऐसा ना हो कि आप मुतमइन रहे, ताले लगा के शारजा चले जाएंगे, जनाब अगर कोई गड़बड़ हुई तो ऑटो सर्किट ब्रेकर है और पीछे सब कुछ छूट जाए, आग लग जाए, सारा पासपोर्ट वगैरह भी जल जाए और बाद में तुम पछताते फिरो। इसका पीला बटन दबा के चेक करते रहा करो, पीला बटन दबाने पे अगर ये ट्रिप कर जाए तो इसका मतलब है काम कर रहा है, नहीं करता तो फौरन उसको बदली करो। ये सारे वाक्यात असल में पीला बटन दबाने वाले, किस बंदे का सब्र का पैमाना अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करोगे। रिएक्ट करने से कुछ भी नहीं होता, पेपर नहीं बदली होता, वो गुजर जाता है टाइम। लिहाजा पहली चीज, लोगों में रहो, लोगों के हाथों में रहो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करें, तुम लोगों के लिए बनाए हो। वल हाफिज़ूना लिहुदूदिल्लाह, तुम रेंजर्स हो अल्लाह की हुदूद के, इनमें रह के काम करोगे। दूसरा, उस काम के लिए तुम्हारा टेस्ट होना बहुत जरूरी है, तुम्हारा शार्प होना बड़ा जरूरी है। बड़े बड़े मैंने मोटे ताजे शार्पनर जो है वो सोसाइटी में रखे हो, जो तुम्हें शार्प करेंगे, तुम्हारा मामू, तुम्हारा चचा, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा छोटा भाई, ये सारे शार्पनर है। यू हैव टू गो थ्रू, तुम इस मरहले से गुजरो, खुश दिली के साथ गुजरो, और जो तुम्हारे अंदर खैर है उसको बाहर निकलना चाहिए। जी, ऑन एवरी सर्फेस यू आर यूज ऑन, यू मस्ट लीव योर मार्क, नो मैटर व्हाट द कंडीशन, यू मस्ट कंटिन्यू टू राइट। पेंसिल को वो कह रहा है
कि तुम्हें जहां जिस जगह तुम हो तुम्हें अपना निशान छोड़ के आना। समझ लगे बात? तुम जिस हाल में हो जिस जगह हो पता होना चाहिए कि यहां से कोई अल्लाह वाला गुजरा है, गुजर गए आइमा हजरात भी गुजर गए और या अल्लाह भी गुजर गए। माशरा बताता ना कि कोई था यहां पे, उनके मार्ग निशाने राह है। उपनिषद कह रहा है कि तुम मत ये देखो कि लिखने वाला, तुम कहो कि मुझे तो वो फरोज समझ की कॉपी चाहिए, मैं तो उस पर लिखूंगी, मैं इस पर नहीं लिखती। वो लेदर पे लिखे, लकड़ी पे लिखे, दीवार पे निशान लगाए, लादा कार्पेंटर आप देखते हैं कान पे रखी होती है पेंसिल जनाब पहली, कभी दीवार पे मारता है, कभी जो है वो लकड़ी पे मारता है, कभी कपड़े पे मारता है, कभी किस जगह मार, ये क्या है? उसे ये इत्मीनान है कि जहां मैं चाहूंगा इससे निशान लगाया। कहा तुम जिस कंडीशन में हो, तुम आम सिपाही हो, तुम बादशाह हो, तुम जज हो, तुम वकील हो, तुम आलिम हो, इमाम हो, ताजिर हो, बेचने वाले हो, खरीदने वाले हो, टैक्सी ड्राइवर हो, सवारी हो, जिस जगह तुम हो अपना निशान छोड़ दो। बंदा जिस जगह नेकी करता है वो जगह उसके हाथ में कयामत के दिन गवाही देगी। आप देखते हैं लोग जो बदली करके जगह नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं तुमसे ऐसा नहीं हो सकता कि आगे हो जाए पीछे हो जाए दाएं हो जाए बाएं हो जाए, ज्यादा जगह पे नमाज पढ़ो, ये जगह कयामत के दिन तुम्हारे अपना गवाही देगी। वो जिस बंदे के जितने ज्यादा गवाही होंगे उतना केस उसका ज्यादा मजबूत हो जाए। भाई बुराई जो हम हर जगह करते हैं, टैक्सी में बैठते हैं वहां गीबत, जाके कैफेटेरिया में बैठते हैं वहां गीबत, मस्जिद में आ रहे होते हैं रस्ते में गीबत, यानी कोई जगह हम खाली छोड़ते नहीं। ये जगह कयामत के दिन हमारे खिलाफ दुआई होगी, अल्लाह पाक उसने मेरे ऊपर खड़े होकर तेरी नाफरमानी की, तो कहा कि ये इतनी जगह तो बदली करके नेकी करो, नफल करो, उधर तो खुद उधर पूरी मौत लगी हुई हो, तुम्हारे हाथ में गवाही देने वालों की सरकार यहां भी सजदा किया था, मेरे ऊपर भी सजदा किया था, मेरे ऊपर भी इतना सजदा किया था। वो कहता है कि तुमने जिस सरफेस पे लिखा जाए, सीमेंट वाली है, ईंट है, जैसी भी, यू हैव टू लीव योर मार्क, अपना निशाने राह जरूर छोड़ो कि यहां से कोई अल्लाह का बंदा है। आप नेकी करके चले आते हैं, आपकी नेकी पीछे बच्चे देती रहती है। यह बात याद रखें मेरी कि नेकी कभी मरती नहीं, अल्लाह पाक उसको मरने नहीं देते। नेकी को अल्लाह पाक अपने हाथ दस्ते मुबारक में रख के पालता है और आपको पता भी नहीं होता कि आपकी नेकी एक जगह आपने कर दिया चलेगी। वो बंदा आप किसी दूसरे के साथ मजे ले लेके आपकी नेकी को शेयर करता है, यार एक बंदा आया था उसने मेरे साथ ये किया, मैंने उसे ज्यादा पैसे दे दिए, ये आपने मुझसे पैसे लिए भी नहीं और उल्टा 60 रुपए वापस भी दे दिए, ऐसा भी होता है ना, वो समझता है आपने दे दिए और वो काट के 40 दिरहम आपको 60 दिरहम वापस दे देता, आप कहते हो भाई साहब मैंने तो भी पैसे दिए नहीं, मेरे पैसे तो मेरे हाथ में। अब वो घर जाके पहले बीवी बच्चों के साथ बात करेगा कि अल्लाह का बंदा आया था, मैंने गलती से उसको ये दे दिए पैसे, तो उसने फौरन वापस कर दिए वरना ये मेरी तनख्वाह में से कटने, कैशियर है किसी बैंक का, पैसे ज्यादा आ गए, आप कहते हैं ये पैसे ज्यादा आ गए, जगह जगह वो जिक्र करेगा और दुनिया यार दुनिया में ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं और दुनिया उन्हीं की वजह से, ये जो बुराई के चर्चे होते हैं जब किसी के साथ बुराई होती है जगह जगह वो जिक्र करता है, लोग समझते हैं मेरी बुराई हो गई है, जब नेकी के चर्चे होंगे लोग जगह जगह कहेंगे ऐसा भी बंदा था कि मैं उसके पास चीज भूल गया हूं, वो अपनी दुकान बंद करके शापर हाथ में पकड़ के बंदों में मुझे ढूंढ रहा है कि एक बंदा भूल गया है मेरे दुकान पे सामान, उसको ढूंढ, आज मैं सामान टैक्सी में भूल गया था, अल्लाह उसका भला करे जनाब, उसने वो अंदर से वो
मोबाइल नंबर लेके उसने फोन किया मुझे, भाई साहब तो आप ये चीज इधर भूल गए, कुछ जगह जगह उसका जिक्र करेगा। और अगर वो खाकर जगह जगह गाली देते जिक्र करेगा, यार मैं भूल गया, हालांकि उसके अंदर मेरा पता भी मौजूद था, अगर वो बंदे का पुत्र होता तो वो फोन करके दे जगह पर, बड़े को बेईमान था यार, शक्ल उसकी देखो पता चलता था मोमेंट अभी अभी, और देखो पी गया मेरे वो सारा, यानी बुराई भी होगी। तो ये मार्क है, ये निशान है जो आप नेकी का छोड़ेंगे या बदी का छोड़ेंगे। आप छोटे हैं या बड़े, ताजर हैं खरीदने वाले या बेचने वाले, जिस तरह से भी हो आप अपना निशान वहां पे छोड़ दें कि ये बंदा देख, लड़ाई झगड़ा हो, एक बंदा गाली गलौज दे रहा है आपे से बाहर हो, दूसरा बंदा शराफत की जुबान इस्तेमाल कर रहा है, ये मत समझे कि लोग ये कहेंगे कि यार ये बड़ा बगैरत और बड़ा बुजदिल बंदा, वो गालियां दे रहा है और ये आगे से जीत जी और आप जनाब कर रहे हैं, मारो उसको एक राड निकाल के गाड़ी में से, ये ऐसी बात नहीं है। वो बंदे उस वक्त देख रहे सूरत हाल और जगह जगह इस बात का तस्करा कर रहे हैं, बड़ा ईमान वाला हर एक बंदा मस्जिद दो चार रमजान गुजर गया मस्जिद के बाहर देखा है, बंदा बड़े बदतमीजी के साथ और जो गालियां दे रहा था वो बड़ा दिनदार लग रहा था, और वो दूसरा आदमी जो है वो बार बार कह रहा भाई साहब रमजान है, वो भाई साहब हमारा रोजा है, वो भाई साहब हम सब मुसलमान है, और वो गाली पे गाली दिए चला जाए, मां की बहन की नंग मस्जिद की सीढ़ियों पर। आप जितने लोग भी सुन रहे थे देख रहे थे उनमें से किसी ने नहीं कहा कि ये बड़ा बस दिल बंदा, सब ने कहा यार ईमान ऐसा होना चाहिए, ऐसा ईमान इस पर इतना सबर अल्लाह पाक ने इसको अता किया, हम होते तो ऐसा कभी नहीं। तो आपके उस नेकी से आपको पता नहीं कौन सा बंदा जनरेट हो जाए, आपकी बात सुनकर आपका वाकया सुनकर, हो सकता है जिसके साथ बीती है वो नहीं जनरेट हुआ, उसने जहां कहीं जिक्र किया है उनमें से कोई बंदा उसे जनरेट हो गया, उनमें से कोई बंदा उससे इंस्पायर हो गया, उसने इबरत पकड़ ली, हां यार ईमान वाले का तो यही होना चाहिए। याद रखिए नेकी मदनी ट्रेवल करती है और कहीं ना कहीं जाके लग जाती है, वो मार्क उस जगह नहीं रहेगा, वो ट्रेवल करेगा। इंडिया वाले के साथ आपने अच्छाई की है वो इंडिया में जाके जिक्र करेगा, हो सकता है वहां लग जाए, क़यामत के दिन उस नेकी से जो आगे नेकी फैलेगी, अल्लाह पाक फरमाएगा तेरी नेकी ने फलां बंदे को इंस्पायर किया, फलां बंदे को बदला, उसने ये किया, एक बंदे ने एक को मुसलमान किया, उस बंदे ने आपके सैकड़ों को मुसलमान कर दिया। तो हर सतह पे निशान छोड़ना है, और सबसे अहम चीज ये कि असल इंसान का इंसान के अंदर है, ये जो ऊपर बदन है हमारे ऊपर ये बदन चढ़ाया गया है, इस जमीन पर रूह एग्जिस्ट कर ही इसके साथ सकती, जब इन दोनों के दरमियान बोध हो जाए तो रूह फिर यहां रहती नहीं, उसको फिर कहीं और ले जाया जाता है। इस जमीन पर स्टे के लिए ये कफील है रूह का, लादा इसके ताबे होता है, इंजेक्शन बेहोशी का इसको लगता है और रूह भी साथ बेहोश हो जाती है, डंडा इसको लगता है दर्द रूह को भी होता है, वो इसके ताबे है, और ये उसकी हिफाजत के लिए है, जिस तरह पेंसिल की असल उसका लेड होता है, उस लेड की हिफाजत के लिए, और टू एनेबल इट टू राइट। अगर सिर्फ लेड हो अंदर वाला वो पतला सा तो आप पकड़ के उससे लिख सकते हैं किताबें, नहीं, उसके ऊपर एक मोटा एनेबलिंग स्पॉट है वो, जो आपकी उंगलियों में आ जाती है और आप उससे लिखते हैं। इसी तरह ये दुनिया का साजो सामान और ये जिस्म, ये अनेबलिंग कोटिंग है उसके ऊपर, जिसको अल्लाह पाक ने खौल कहा है, जिस तरह वो लेड के ऊपर खौल चढ़ा हुआ है, जितना जरूरत होता है उतना खौल उतार के लिखते चले जाते हैं, इसी तरह ये सारे नाते रिश्ते माल दौलत कौमें ये खौल है। वह तरक तुम मा खवलनाक वर
जो खौल हमने तुम्हारे ऊपर चढ़ाए थे वो तुम अपनी पीठों के पीछे छोड़ आए। ठीक, वो खौल उतर गया, अब उन खौलों की जरूरत कोई नहीं है, उनकी जरूरत दुनिया में थी। ये सारे खौल हैं ताकि ये हमें नेकी लिखने के, देखिए अगर कोई गरीब नहीं होगा तो आप जकात किसको देंगे, आप भला किसका करेंगे। बाज दर्जात वो हैं जो सिर्फ सदके से मिलते हैं, नमाज से नहीं मिलते, सारी जिंदगी नमाज पढ़ते हैं। बाज वो हैं जो रोजे से मिलते हैं, बाज वो हैं जो नवाफिल से मिलते हैं, बाज गुना वो हैं जो सिर्फ मैदाने अरफात में माफ होते हैं, वहां ब्लीच, और बाज दर्जात वो हैं जो सिर्फ मुसीबत से मिलते हैं, ना इबादत से मिलते हैं, ना सदके से मिलते हैं, ना हज से मिलते हैं, ना उम्रे से मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसीबत पर सब्र करने से। लिहाजा अल्लाह पाक ने उसमें नबियों को भी कोई इस्तस्ना नहीं दिया, ये तो मेरा नबी है, क्या मुसीबत डालनी है। वो मुसीबत वाले दर्जात पे प्रोमोट करने के लिए नबियों को मुसीबत में डाला। 18 साल की बीमारी काटी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, कीड़े पड़ गए बदन में, बदबू आती थी, उठा के बाहर फेंक के आगे बस्ती वाले। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 10 साल की कैद, कुएं का वो सफर, अल्जामात, और फिर वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वो बच्चे की जुदाई में रो रो के आंखें सफेद कर लेना, मुसीबत है कि नहीं। पता चला सारे नबियों की अपनी दास्तान है, हजरत दाऊद अपनी मुसीबत से गुजरते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मुसीबत से गुजरे हैं। तो ये मसाइल जितने भी हैं ये याद रखें कि आपके दर्जात की बुलंदी के लिए हैं, आपकी दुश्मनी में नहीं है। अल्लाह पाक मुझे भी सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी वाकई दावा। अल्हम्दुलिल्लाह।